नमस्कार दोस्तों, तो क्या आप भी अपना खुद का एक कंपनी चलाते हैं, छोटा मोटा कोई बिजनेस चलाते हैं, या फिर आप कोई एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने कंपनी का वेबसाइट खुद का कैसे बनाएं। अगर आपका कोई छोटा किसी साल में बिजनेस चल रहा है, कपड़ा का दुकान है, कोई मॉल है, या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई किराना का दुकान है, तो किस तरीके से अपने कंपनी का या फिर किसी भी चीज, कोई भी बिजनेस है छोटा मोटा, उसका वेबसाइट बनवा सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और मैं हूँ इंडियन डेवलपर्स टीम से। और आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक कंपनी के वेबसाइट को किस तरीके से बनाएं, कहाँ से बनाएं, अभी मार्केट में जो कंपनी बना रही है उसके फ्रॉड से कैसे बेचना है, एक वेबसाइट बनवाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग मिली यही सबसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आप कोई भी कंपनी एक्स वाई जेड चला रहे हैं, अभी आप अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखिए होता क्या है कि हमें खुद को समय के अनुसार बदलना पड़ता है। अब बोलेंगे कि समय के अनुसार बदलने का मतलब क्या, तो मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मार्केट में जब मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जो कुछ एग्जांपल है, अब फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर जो भी सक्सेसफुल अभी कंपनी है, वो किस तरीके से वो एग्जिस्ट पहले हुई, कैसे ग्रो हुई, अभी इतना कैसे पॉपुलर। तो देखिए, एक जो आदमी है वो अपने बिजनेस को ऑफलाइन, मान के चलिए आपका कोई भी कंपनी है, उसको ऑफलाइन चला रही है, ठीक है। अब ये ऑफलाइन चला रही है तो हो सकता है कि आप मान के चलिए कि आप किसी भी कानपुर शहर से हैं, ठीक है। तो अगर आप कानपुर से हैं और आप अपना एक छोटा सा खुद का कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन, तो अगर आप ऑफलाइन से ऑनलाइन अपनी कंपनी को नहीं ले जा पाएंगे तो क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन में जो है सर्विस दे पाएंगे, आसपास का कानपुर के आसपास का जो भी इलाका होगा वहीं तक दे पाएंगे। तो ये कहाँ तक होगा, एक सिटी तक ही लिमिटेड रहेगा, सिर्फ कानपुर सिटी तक ही, वहीं के जो है लोग आएंगे, वो भी आएंगे, आपको सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करेंगे, अगर आपका वहाँ पे कंपनी नहीं होगा, ऑनलाइन शो नहीं हो रहा होगा, विजिबल नहीं होगा, वेबसाइट नहीं होगा, तो वो हो सकता है आपके कानपुर के भी लोग हैं जो कानपुर वाले लोग, वो भी नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो ऑफलाइन है आप अपने शहर भर तक ही सीमित रहे हैं, अब शहर के लोग भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, मतलब कानपुर वाले लोग भी नहीं। तो हम लोग मिलने यही समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस को एक एग्जांपल के जरिए ऑफलाइन से ऑनलाइन ला सकते हैं। तो देखिए, और यही था, मतलब मैंने एग्जांपल देके समझाया, शहर वाले लोग भी नहीं आ रहे थे, लेकिन यही यदि आप इसी चीज को ऑफलाइन से कहां लेके जा रहे हैं, यदि आप इसी चीज को ऑफलाइन से अगर ऑनलाइन लेके जाएंगे तो देखिए क्या होगा, ऑनलाइन लेके जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, आपको लग रहा होगा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप यदि किसी चीज को अच्छे से समझेंगे नहीं तो आप सारी चीज को बेहतरी से नहीं समझ सकते, कंपनी कैसे आपको ठगेगा, वेबसाइट बनने में कहेगा अरे ये कर लो वो कर लो, सर्वर को दिस डैट, लेकिन इसलिए आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, और किस तरीके से आपको वेबसाइट बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, क्या क्या उसमें फीचर रहेगा, सारा कुछ हम लोग बताएंगे। तो यही, अगर आपको ऑफलाइन से अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएंगे तो लोग देखिए क्या करेंगे। आज का समय है, आप गांव से हैं और आप किसी दूसरे शहर में जो है काम कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपके पास एक छोटा सा दुकान है गिफ्ट का, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, तो मान के चलिए आप दिल्ली जैसे शहर में है और ठीक है, एंड दिल्ली शहर में होने के बाद आप मान के चलिए कि अपना खुद का एक गिफ्ट वाला शॉप चलाते हैं, ठीक है, गिफ्ट वाला। अब दिल्ली में क्या होता है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, वो किसी दूसरे शहर से काम के सिलसिले में आते हैं, पढ़ने के सिलसिले में आते हैं, या एक्स वाई जेड कुछ भी सिलसिले में आते हैं। तो ये क्या करेंगे, इनको तो पहले से दिल्ली के बारे में पता नहीं है कि आसपास में कहाँ पे गिफ्ट का दुकान है, कहाँ पे मिठाई का दुकान है, तो ये आएंगे और इनको अगर किसी फ्रेंड को गिफ्ट देना रहेगा तो वो क्या करेंगे, वो गूगल पे सर्च करेंगे गिफ्ट शॉप नियर मी, क्या सर्च करेंगे, गिफ्ट शॉप नियर मी, वहाँ पे जो कंपनी पहले से ऑनलाइन में रहेगी, जिनकी अच्छे से विजिबिलिटी रहेगी, जिनके पास खुद का वेबसाइट रहेगा, तो सर्च में किसका जाएगा, उस कंपनी का जाएगा जो कि ऑनलाइन आया हुआ है, उसका अपना खुद का एक वेबसाइट है। इससे क्या हो रहा है, आपका जो गिफ्ट शॉप है और ऑफलाइन है तो इन लोगों तक आपका जो है रिकमेंडेशन नहीं जाएगा। इससे क्या हो रहा है, आपका जो बिजनेस का रीच है वो घट रहा है। घट किस लिए रहा है, क्योंकि आप अभी तक अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदले थे,
इसीलिए आप चाहते हैं अपनी कंपनी का खुद का एक वेबसाइट बनाएं और आप ऑनलाइन छाएं, लोग आपके शॉप को अगर ऑनलाइन सर्च करें तो आए, गूगल पे सर्च करें बेस्ट कंपनी फॉर ऐप, बेस्ट कंपनी फॉर ये, बेस्ट कंपनी फॉर मिठाई, या फिर बेस्ट कंपनी कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, बेस्ट कंपनी फॉर इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, तो इस तरह का कुछ भी सर्च करें तो आपका ही वेबसाइट आए। ये किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम लोग हैं इंडिया डेवलपर्स टीम से, और आप इस नंबर पे, मैं नंबर नोट कर देता हूँ, यहाँ पे कॉल करिए, और हमारा नंबर है 7667430491, तो आप इसको इंडिया डेवलपर्स के नाम से सेव कर लीजिए, इस नाम से इंडियन डेवलपर्स के नाम से सेव कर लीजिए। उसके बाद आप हमें कॉल करिए, हम आपको 24x7 hours सर्विस देंगे, किस तरीके से वेबसाइट बनवाना है, कौन सा सर्वर चूज करना है, किस तरीके से गूगल पे रैंक करवाना है, सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर आप वेबसाइट बना लेंगे, उसका मार्केटिंग कैसे करें, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है। हमारा नंबर है 7667430491, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और हम लोग अच्छे से गाइड करेंगे। देखिए सर्विस तो आपको सब कंपनी दे देगी, लेकिन फिर क्या कहेगी, हमारा अगर उसका टीम रहेगा सही नहीं, छोटा टीम रहेगा तो वो बोलेगा अरे वेबसाइट में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो बोलेगा कल करवाइए, परसों करवाइए, आज टिकट रेज करवाइए, तो वो सब नहीं। इसीलिए हम लोग इंडिया डेवलपर्स टीम से, और हम लोगों में क्या है, आप वेबसाइट बनवाए, एक व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत बनेगा, उसमें आपको ऐड किया जाएगा, 3 से 4 लोग एक्सपर्ट लोग रहेंगे, वो आपको अच्छे से हेल्प करेंगे। इसलिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, एड्रेस यहाँ पे शो हो भी रहा होगा, हमारा अभी 2 जगह ऑफिस है, पटना एंड पूर्णिया में, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं अगर नजदीक है, या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम लोग आपको बेहतरीन ढंग से सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हो गई बात, मैंने वेबसाइट बनवा ली, लेकिन उसमें लोग कैसे आएंगे, तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी करके देखेंगे। तो उसके बाद अगर आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहते हैं किस तरह का वेबसाइट होगा, तो हम लोग कई तरह की वेबसाइट बनाते हैं। अगर आपका मिठाई का दुकान है, मिठाई का दुकान बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे। फिर आपका किसी भी तरह का एक्सपायर कुछ भी बिजनेस है, वो भी हम लोग बनाएंगे। आपका कुछ कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है, कुछ भी प्रोवाइड करती है, हम लोग आपको बना के देंगे। अगर उसमें ई कॉमर्स वाला रहेगा कि ई कॉमर्स में आप सामान भेजना चाहते हैं, कुछ भी है आपका सामान इस एड्रेस पे भेजना चाहते हैं, तो कौन आएगा, कैसे कुरियर करेगा, पिक, तो सारा कुछ आपको वेबसाइट के जरिए ही हैंडल होगा। इस तरह का कुछ भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ई कॉमर्स, लैंडिंग पेज, कंपनी का सर्विस पेज, शो पेज, कुछ भी, तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। बनवाने के लिए आपको यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा, या फिर स्क्रीन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक वेबसाइट के जरिए आप कुछ इस तरह का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, ये हम लोगों का वेबसाइट हो गया। इस तरह का आप कुछ भी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम लोग इंडिया डेवलपर्स टीम से, आप देख सकते हैं इस तरह का वेबसाइट अगर आप अपना भी बनवाना चाहते हैं, जहाँ पे मेन्यू रहेगा, कॉल नाउ का ऑप्शन रहेगा, फिर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन रहेगा, फिर आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये सब रहेगा, फिर आपका पास क्या क्या ब्रांड है, फिर आप ब्लॉग कुछ उससे अपने कंपनी से रिलेटेड दिखाना चाहते हैं, आप कंपनी का कोई वीडियो बनाए वो दिखाना चाहते हैं, तो सारा कुछ इस तरह से बना सकते हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे अभी दुकान चला रहे हैं, वो कह रहे अरे ऑनलाइन आने में बहुत झंझट है, ये है वो है, हमें ये लगेगा वो लगेगा, सारा कुछ एक ही जगह कैसे पता चलेगा, तो उनको थोड़ा जटिल लगता है। लेकिन अब क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर सोहरा बात, हमें कॉल करिए, कहाँ से वेबसाइट बनवाना है, क्या बनवाना है, कैसे सारा कुछ हैंडल करेंगे। उसके बाद आपका मेनली काम रहेगा दुकान चलाना और ऑनलाइन का जो सारा काम है वो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, हमारी जो टीम है इंडियन डेवलपर से वो सारा कुछ हैंडल कर लेगी, तो हमें आज ही कॉल करें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया होगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, साथ ही साथ हमारा जो नंबर है यहाँ शो हो रहा होगा उस पर कॉल करना ना। तो थैंक यू सो मच।